और मुझे लग रहा है इसका जो बंदा है ना वो भी राइट पे या लेफ्ट पे है। ओके ओके गाइस, इरेशनल के की साइड बंदे हैं। यहाँ पे नंबर वन हंस रहा था कि ये क्या कर रहे हो आप, बट कोई ना। गया भाई, ओनली रन नंबर। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। काफी सारे भाइयों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आपने वीडियो अपलोड नहीं करी, तो भाई वीडियो आ चुके हैं, आप एंड तक देखना, एंड वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पीक के ऊपर हम लोगों ने लैंडिंग करी है, 46 बंदे अलाइव हैं और यहाँ पे अपने पास अल्ट्रा प्रो है जो कि काफी तगड़े सर्वाइवर हैं। तो अगर हम लोग एक दो दफा मरते भी हैं तो रिवाइव के लिए यहाँ पे बंदा मौजूद है। ओके, M14 है अपने पास। ओके, पहला की ले की शॉट के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों को दो किल मिल चुके हैं बगैर मेहनत करे, और बोलते हैं कि अगर आप लोगों को फल जो है ना बिना मेहनत के मिले तो वो चला भी जल्दी जाता है। यहाँ पे एक और बंदा, चलो एक अच्छा हेडशॉट, और क्यूट वीर भाई साहब यहाँ पे नॉक हैं, और अगर इसका किल कंफर्म करते हैं तो तीन किल हम लोगों के पीक के ऊपर डन हो चुके हैं। और दोस्तों वहां पे तो हम लोगों ने सारे स्क्वाड वाइप आउट कर दिए थे। डुओ यहाँ पे बंदा गया, एक नॉक है और मुझे लग रहा है इसका जो बंदा है ना वो भी राइट पे या लेफ्ट पे है। ओके, यहाँ पे MP40 के ओनली रेड नंबर्स के साथ पांचवा किल भी हम लोगों को मिल चुका है। 28 बंदे यहाँ पे अलाइव है। ओके गाइस, एरेशनल की साइड बंदे हैं, ओनली रेड नंबर यहाँ पे नॉक है। एरेशनल की जो है ना इस गेम के अंदर विदाउट की के ओपन हो जानी है, तो इस वजह से वो बंदे उस सर्कल को पूरा कर लें। अल्ट्रा प्रो यहाँ पे रश के ले गए हैं, दो बंदे आए थे वो रिवाइव हो चुके हैं। ओनली बॉडी स्प्रे यहाँ पे स्मूथ को। ओके, टीला भी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश, और यहाँ पे इन लोगों ने एंग्री इमोजी भेजा था क्योंकि हम लोगों ने इनके डुओ को पूरा वाइप आउट करा था और इनका तो कंफर्म माइनस लगा ही होगा। तो सात के लिए यहाँ पे डन हो चुके हैं। यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, बिल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना है। काफी सारे बंदे भाई टिकटॉक से जाके यूट्यूब को सब्सक्राइब कराए हुए, तो भाई दिल से शुक्रिया होगा। यहाँ पे लॉन्च पैड लगाया था बट वो किसी काम आया नहीं, तो मैंने दूसरी साइड पर लॉन्च पैड का जो ना रूम मोड़ के वहाँ पे करा है, और वहाँ से करा था भाई रिवाइव। यहाँ पे नंबर वन हंस रहा था कि ये क्या कर रहे हो आप, तो बट कोई ना। ओके, एक और बंदा यहाँ पे, इसका डुओ तो भाई अकेला ही बचा हुआ था जिसको हम लोगों ने दो ही शॉट मारे थे, वो भी ओनली खोपड़ी में। तो आठ किल हम लोगों के यहाँ पे डन हो चुके थे, 23 बंदे अलाइव थे। ये भुया लेना भाई बनता था क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी तगड़े हेड शॉट इस गेम के अंदर मारे थे। एक और बंदा भाई, जैसे मैंने ड्रोन मारा था पहले तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे भी कोई बंदा हो सकता है, पर ड्रोन लगा है तो फिर पता चला है। ओके, यहाँ पे काफी FF को अच्छे शॉट, और इसके साथ FF का किल लेते 9 किल डन हो चुके हैं। एक और बंदा आया था भाई जो कि बाइक से रिवाइव करने, बट उसको पता चल गया था यहाँ पे बंदा है, और ये बंदा भाग गया भाई। इस पे एम कनेक्ट करने की बहुत ट्राई करी बट हुआ नहीं इस पे। ओके, राइट साइड पे एक और बंदा मुझे नजर आया था जिसने एक दो गोली मारी। गया भाई, ओनली रेड नंबर। इसका भी सोनिया चार्जर, DJ फातिमा कुछ इस तरीके का नाम। एक गया फ्लैशर और दूसरे पे ये नॉक हो गया था, तीसरा हम लोगों ने ग्रेनेड फेंका जिससे ये कंफर्म हो गया। तो सोनिया डिमिट्री, इसको सोनिया डिमिट्री का जो बेनिफिट है ना इसको बिल्कुल भी फायदा इसको नहीं पहुंचा। हम लोगों ने यहाँ पे 10 किल यहाँ पे निकाल लिए। ओके, ऊपर की साइड एक और लड़की को भी काफी अच्छे जूलियट, यहाँ पे SW जूलियट थे जिनको काफी अच्छा हेडशॉट कराया हम लोगों ने, और इसका किल मिलते 11 डन हो चुके थे। ऊपर की साइड एक और डुओ जिसने बहुत ही गंदे वाला यहाँ पे डैमेज दिया, अपने जो चांसेस थे मरने के बहुत ज्यादा यहाँ पे हो चुके थे, बट कोई ना, हम लोगों ने क्या है तगड़े वाला यहाँ पे ग्लू वॉल डाला था। बट बंदे तगड़े थे भाई, उन्होंने फैगल का ना लॉन्चर मारा था जिससे ग्लू वॉल के बाहर ना बहुत गंदा डैमेज पड़ता है आसपास अगर खड़े हो तो आप। ओके, एम कनेक्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की पर हुआ नहीं। ये बंदा भाई क्या करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक सुपर मेडिकेट लगा लेते हैं, अगर बंदा रश के लिए आया तो पिटेगा। इसकी ड्रेसिंग भाई डाउनलोड नहीं थी, लेवल 4 का वेस्ट पहना होता, बॉडी डैमेज इतना दिया है ना पर मर नहीं रहा था ये, तो बहुत ही गंदे तरीके से हम लोगों ने इसको M10 3 चिप से मारा है भाई। तो 12 के लिए यहाँ पे डन हो चुके थे, लाइन मैन वगैरह लगा के हम लोग रिवाइव करा के फिर जोन में गए। ओके, जोन से एक और बंदा आ रहा था जिसको मैंने बहुत लेट देखा था।
आयशा एक्स प्रीशो कुछ इस तरीके का नाम और इसका किल लेते अपने 13 किल भी डाउन हो चुके थे, 10 बंदे अलाइव थे, जोन बिल्कुल छोटा सा रह गया था भाई। यहाँ पे मेडिकेट मारने का मैंने सोचा कि मेडिकेट मार के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर आप लोग जोन में ज्यादा देर रहते हो तो आप लोगों को डैमेज जो है ना वो भी ज्यादा पड़ रहा होता है जब आप एंड जोन की तरफ जा रहे होते हो। तो यहाँ पे शॉप की साइड भी एक आधा बंदा था, मैंने अपनी स्किल लगा के भाई जोन में लिटरली पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पे जोन नियर अबाउट 40-50 HP ले रहा था। ओके, ऊपर की साइड एक डू है और मशीन की साइड भी शायद एक आधा बंदा आया है रिवाइव कराने के लिए, तो इसको पकड़ते हैं सबसे पहले एक्सीमेट से। ओके, व्हील द फॉक्स को यहाँ पे ओनली बॉडी डैमेज और नॉक हो चुके हैं। एक बंदा और मोसर ट्रक पे भाई, नहीं 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 नहीं, ये चेक करो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। लिटरली इसको भाई गालियां देने का मन कर रहा था जिस तरीके से इसने मोसर ट्रक मारा। यहाँ पे सुपर मेडिकेट अभी लगी थी इसने फिर आके, यहाँ पे जो बंदा स्पेक्टेट कर रहा था वो भी हैरान था कि क्या कर रहा है भाई ये पीसी ना तोड़ दे भाई यार। यहाँ पे मोए मोए वाला सीन हो गया था हमारे साथ और गया भाई 14 किल के साथ, बुइया ही मिस कर रहा है अगेन।